Hello everyone, welcome to the Pulp series, and this series is completely dedicated to the pulp of tooth, dental pulp that is. और इस सीरीज में हम डेंटल पल्प के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ द डेंटल पल्प. सो टुडेज लेक्चर इज बेसिकली अबाउट द जनरल एनाटॉमी ऑफ डेंटल पल्प, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेंटल पल्प के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस और एज रिलेटेड चेंजेस क्या क्या होते हैं उसमें. सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट थिंग कि पल्प का मतलब क्या होता है एक्चुअली. सो पल्प इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज पल्पा. ये जो पल्पा होता है इसका मतलब होता है इट इज एनी एनिमल और प्लांट टिश्यू दैट आर मॉइस्ट एंड सॉफ्ट अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ कोहेरिंग मास. इसका मतलब पल्प का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो इंग्लिश मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मॉइस्ट या सॉफ्ट चीज जो कि मास की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे वो फ्रूट पल्प हो, चाहे वो डेंटल पल्प हो, एवरीथिंग. सो जो हमारा डेंटल पल्प होता है वो भी मॉइस्ट और सॉफ्ट होता है और ऑफ कोर्स एक मास की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो पल्प का लिटरल मीनिंग ये हुआ. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंटल पल्प. सो डेंटल पल्प इज डिफाइंड एज हाईली वैस्कुलराइज्ड एंड इननर्वेटेड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन एनक्लोज्ड बाय डेंटिन विद कम्युनिकेशन टू पेरियोडोंटल लिगामेंट. नाउ वी ऑल नो कि हमें जो है डेफिनेशंस एज इट इज याद करनी होती है, पर जो डेफिनेशंस होती हैं उसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट होती है. जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट हो रही है जो कि हमें याद करने में भी हेल्प करेगी, वो है दैट पल्प इज हाईली वैस्कुलराइज्ड एंड इननर्वेटेड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट. ओके, हाईली वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मेनी मेनी ब्लड वेसल्स. दैट मीन्स जो पल्प होता है उसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड एज वी नो ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड उससे वेस्ट मटेरियल लेना एंड देन गोइंग बैक टू द वेन्स एंड प्योरिफिकेशन वाया लंग्स, राइट. सो पल्प में भी हर ऑर्गन की तरह काफ़ी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. सेकेंड टर्म इज इननर्वेटेड. इननर्वेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ nerves. That means pulp has so many nerve endings in it, which makes it a very highly sensitive organ, right? हमारे दांत में कोई भी changes होते हैं तो उसको perceive pulp करता है pain के through, right? कुछ फंस गया तो pain होने लग जाता है, dental caries है तो pain होने लग जाता है, अगर infection हो चुका है तो pain होने लग जाता है, तो that is all perceived by these nerve endings present in pulp. So pulp is a highly innervated connective tissue of mesodermal origin. Now next important information that can be derived from here is origin of pulp. So pulp is basically mesodermal in origin. Now if you people are attempting for or you are thinking to attempt the MDS examination or any competitive examination regarding dentistry further, so these minute information are important ki har organ ka jo hai origin kahan se hota hai. So pulp ka origin jo hai that is mesodermal origin. Next it is enclosed by dentin. So you can see in this complete picture ki ye jo green color se main bana rahi hu, jise abhi highlight kar rahi hu, that is pulp, aur iske charo taraf jo hai yellowish color structure present hai which is dentin. So pulp bhale hi wo crown mein ho ya root mein ho, it is enclosed by dentin. Then next is with communication to periodontal ligament. Right, jo pulp hota hai wo apical foramen, ye sab hum abhi padhenge what is apical foramen, coronal pulp, radicular pulp, but just to understand the definition, pulp jo hai ek apical foramen, ek foramen hota hai uske through sare aas paas ke periodontal ligament se connected rehta hai, right. So now coming back to the definition again, the definition says highly vascularized and innervated connective tissue, that means it has got a lot of blood vessels and nerves, of mesodermal origin, that means iska origin mesodermal hai, enclosed by dentin, it is enclosed by dentin on all its sides, with communication to periodontal ligament, that means apical foramen ke through jo hai wo periodontal ligament se communicate karta rehta hai. So this is the basic meaning of this definition. Now since we have seen the definition, we will go on to the general anatomy of the
पल्प। सो जनरल एनाटॉमी ऑफ पल्प में आता है पल्प के कितने पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वी विल मूव ऑन टू दैट। सो जनरल एनाटॉमी ऑफ पल्प में पहला पॉइंट है पल्प का वो पार्ट जो कि क्राउन पोर्शन में प्रेजेंट होता है। यू कैन सी ये जो वाइट एनेमल से बाउंड पोर्शन है उसे हम क्राउन पोर्शन कहते हैं, वो पोर्शन जो है उसे कोरोनल पल्प कहा जाता है। कोरोनल माने नेक, तो पार्ट ऑफ पल्प विच इज प्रेजेंट इन द नेक ऑफ टूथ यानी कि क्राउन ऑफ टूथ इज नोन एज कोरोनल पल्प। और क्राउन में भी इसे पल्प चेंबर कहते हैं, तो वी कैन से पल्प चेंबर ऑफ क्राउन ऑफ टूथ, राइट। नेक्स्ट कम्स पल्प का वो पार्ट जो कि टूथ की रूट्स में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलेंगे रेडिकुलर पल्प। तो पल्प का वो पार्ट जो कि टूथ की रूट कैनाल्स में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं रेडिकुलर पल्प, राइट। नाउ वी लुक ऑन टू कि क्या जनरल फीचर्स होते हैं पल्प के, व्हाट इज द वॉल्यूम एंड व्हाट इज द साइज ऑफ पल्प। तो यूजुअली पल्प का जो शेप होता है वो टूथ के शेप में ही होता है, एंड यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट दैट इन दिस डायग्राम कि ये जो पल्प का शेप दिख रहा है हमें, इट क्वाइट रिजेंबल्स द आउटर शेप ऑफ द टीथ, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स की क्या साइज होती है, क्या वॉल्यूम होता है पल्प का। सो जो टोटल वॉल्यूम होता है पल्प का, दैट मीन्स ऑफ ऑल द पल्प प्रेजेंट इन ऑल द परमानेंट टूथ ऑफ आर ओरल कैविटी, मार्क द वर्ड परमानेंट, मैं जो बात कर रही हूँ वो परमानेंट टीथ की बात कर रही हूँ। तो जो परमानेंट टीथ में जितना भी पल्प प्रेजेंट होता है उसका जो टोटल वॉल्यूम है इट इज 0.38 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीन लिया जाए कि हर सिंगल टूथ में कितना पल्प प्रेजेंट है तो इट इज ऑलमोस्ट 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्दो आई अग्री टू द फैक्ट कि हर टूथ में जो है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ पल्प प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर टूथ की साइज अलग है, तो हर टूथ का पल्प चेंबर और रूट कैनाल भी अलग अलग साइज का होता है। बट एक जनरलाइजेशन के लिए मीन वॉल्यूम दिया गया है जो कि 0.02 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑल्दो एवरी टूथ डिफर्स इन साइज एंड सो डज द पल्प ऑफ ईच टूथ, एंड जो मोलर्स होते हैं वो बड़े होते हैं इंसाइजर्स से साइज में, तो ऑफकोर्स जो है मोलर्स का जो पल्प होता है वो इंसाइजर्स से ज्यादा होता है। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस डेटा, इट इज बिकॉज ये जो छोटा छोटा डेटा होता है दैट वी डू नॉट रिमेम्बर ऑफन, दीज डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाउ कम सो, व्हेन आई वाज मेकिंग स्लाइड्स फॉर दिस चैप्टर I thought why not going through previous year questions which can be included in this topic. So a previous year question which I found for this topic is the total volume of permanent pulp organs is, and the options were 0.38 centimeter cube. I'm sorry, there's a mistake over here. It's centimeter cube. 0.38 centimeter cube. B option 0.58 centimeter cube. C option 0.02 centimeter cube and D option 3.8 centimeter cube. So this was a previous year question which now you can answer clearly, and the answer would be first option ki jo total volume hota hai permanent pulp organ ka hamari oral cavity mein wo hota hai 0.38 centimeter cube. So all I would like to tell you from this question is that read the data very carefully, because even smallest data can bring you a question, right? So the answer to this question is option number A. Now moving forward, after these questions, we have a table from the organs. I have taken the reference of organs here. So organs से मैंने ये table निकाली है, जिसमें हर एक permanent tooth के बारे में दे रखा है कि उसमें कितना pulp present है. Of course, I agree कि हर एक tooth के बारे में याद करना is not what we call judicious thing. बट जो दो डेटा हम इस टेबल से डिडक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, कंक्लूजन रहेगा हमारा वो है कि जो इफ यू ऑब्जर्व कीनली जो फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर है उसमें अमाउंट ऑफ पल्प जो है मैक्सिमम है।
So this can be asked, the maximum amount of pulp is present in which two? So maximum amount of pulp is present in maxillary first molar. You can always remember this. And जो second conclusion हम detect कर सकते हैं, conclude कर सकते हैं यहाँ से, वो ये है कि if you observe तो mandibular teeth जो हैं वो हमारे maxillary teeth से छोटे होते हैं, तो usually mandibular जो teeth है उसका amount of pulp कम होता है maxillary teeth से, पर जो mandibular third molar है उसमें amount of pulp ज़्यादा है as compared to the maxillary third molar. So always remember these two points, कि maximum amount of pulp present होता है maxillary first molar में, और third molar एक ऐसा है जिसमें mandible में pulp ज़्यादा है as compared to the maxillary pulp. These two can become MCQ questions. So I thought this to be concluded with this table. After this we have कि different parts of pulp. So we'll start with the coronal pulp. So as I told you कि coronal pulp वो part है pulp का जो कि crown में present होता है, और crown में भी pulp chamber में present होता है. So I'll show it to you in the diagram कि crown में भी pulp chamber में present होता है. So here's a beautiful 2D diagram. इसमें ये जो part दिख रहा है यहाँ तक का, जिसमें आप enamel well appreciate कर सकते हैं, वो part है crown का, right? और क्राउन में भी ये जो रेडिश पोर्शन दिख रहा है सेंटर में, दिस इज नथिंग बट कोरोनल पल्प. सो दिस इज कोरोनल पल्प व्हिच इज द पार्ट ऑफ पल्प प्रेजेंट इन द क्राउन. नेक्स्ट व्हिच इज इम्पोर्टेंट इज कि इसकी कितनी सरफेसेस होती है, बिकॉज ऑफन रेफरेंस के टाइम पे जो है क्राउन की पल्प की सरफेस की बात करते हैं, तो अगर हम वो यहाँ पे देख लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस फॉर द रेफरेंस पर्पज, राइट? सो जो पल्प की सरफेसेस होती है, देर आर सिक्स सरफेसेस ऑफ पल्प. फर्स्ट इज ऑक्लूजल सरफेस. ऑक्लूजल सरफेस वो होती है जो कि ऑपोजिट टूथ के कॉन्टैक्ट में आती है, राइट? तो उसके अंडरलाइंग जो पल्प है दैट वुड बी ऑक्लूजल सरफेस ऑफ कोरोनल पल्प, एंड आई हैव मार्क्ड इट इन द ग्रीन कलर, ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द कोरोनल पल्प. दिस इज द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द कोरोनल पल्प. सेकेंड इज फ्लोर. तो ऑक्लूजल सरफेस के ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी दी फ्लोर ऑफ कोरोनल पल्प. नेक्स्ट इज मीजियल सरफेस. तो मिडलाइन पे जब टूथ टच करता है उस साइड जो पल्प है दैट विल बी द मीजियल सरफेस ऑफ पल्प, एंड देन इज द डिस्टल सरफेस. मीजियल सरफेस के ऑपोजिट डिस्टल सरफेस. अब हमें पता है कि हमारा टूथ एक तरफ से चीक से बाउंडेड होता है, दूसरी तरफ से टंग से बाउंड होता है. तो चीक्स की तरफ जो पल्प का पार्ट है वो हो गया बकल सरफेस, जो मैं इसमें नहीं शो कर सकती, और टंग की तरफ जो पार्ट है पल्प का वो हो गया लिंगुअल सरफेस ऑफ द कोरोनल पल्प. सो दीज आर द सिक्स सरफेसेस ऑफ कोरोनल पल्प. फर्स्ट इज ऑक्लूजल सरफेस, सेकंड इज फ्लोर, ऑक्लूजल सरफेस को रूफ भी बोलते हैं, देन बकल सरफेस जो कि चीक्स की तरफ है, लिंगुअल सरफेस जो कि टंग की तरफ है, मीजियल एंड डिस्टल सर्फेसेस जो कि प्रॉक्सिमली टूथ कॉन्टैक्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ आफ्टर द सर्फेसेस देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉल्ड पल्प हॉर्न. पल्प हॉर्न क्या होता है? सो पल्प हॉर्न इज नथिंग बट हमें पता है कि जो हमारे पोस्टीरियर टूथ होते हैं उसमें कस्प प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसाइजर्स या कैनाइंस में इंसाइजल एजेस प्रेजेंट होती है, वैसे पोस्टीरियर टूथ यानी कि प्री मोलर्स एंड मोलर्स इन सब में कस्प प्रेजेंट होते हैं. प्री मोलर्स में दो कस्प होते हैं, मोलर्स में 3, 4, 5 ऐसे कस्प होते हैं. तो पल्प का वो पार्ट जो कि कस्प में एक्सटेंड करता है उसे हम बोलते हैं पल्प हॉर्न. सो पल्प हॉर्न इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ पल्प दैट एक्सटेंड्स इन कस्प, एंड यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट हियर यहाँ पे एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो दैट इज नथिंग बट पल्प हॉर्न. So now, since we have seen about coronal pulp, I would like to tell you कि age related क्या change होंगे coronal pulp में, कि कैसे size change होगी coronal pulp की. So here is a diagram
जिसमें मैंने दिखाया है कि बढ़ती हुई एज के साथ जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पर्सन का टीथ का क्रॉस सेक्शन लिया जिसकी एज बढ़ रही है. तो बढ़ती हुई एज के साथ जो है वो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन कोरोनल पल्प की साइज डिक्रीज होती जाती है. हाउ कम? ये यंगेस्ट पल्प है यहाँ पे, तो यू कैन अप्रिशिएट कि इसकी साइज बहुत बड़ी है. फिर देखिए तो साइज छोटी हो रही है, साइज उससे भी छोटी हो रही है, एंड विद एज साइज बहुत छोटी होती जा रही है. वाई सो? ये जो पल्प दिख रहा है आपको सेंटर पोर्शन, जिसमें मैं अपना रेड इंडिकेटर चला रही हूँ, उसके साइड में देयर इज अ पिंक पोर्शन विच इज डेंटिन. सो इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ डेंटिन कि ये डेंटिन विद एज जो है वो सेकेंडरी डेंटिन लाई डाउन करता रहता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी डेंटिन की कोरोनल पल्प की साइज जो है वो छोटी होती जाती है विद एज. सो मार्क दीज वर्ड्स दैट ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन द साइज ऑफ कोरोनल पल्प चेम्बर डिक्रीजेज विद एज. सो इट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी डेंटिन दैट दिस पल्प चेम्बर कोरोनल पल्प चेम्बर या कोरोनल पल्प की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती जाती है. डू रिमेम्बर इट बिकॉज अब हम जब रेडिकुलर पल्प के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे तो यू विल सी अ डिफरेंस देयर. एनाटमी ऑफ पल्प इज द रेडिकुलर पल्प. सो रेडिकुलर पल्प इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पल्प प्रेजेंट इन द रूट केनाल ऑफ टूथ. जो रूट्स होती हैं टूथ की उसमें प्रेजेंट होता है रेडिकुलर पल्प. तो जो रेडिकुलर पल्प होता है उसका नंबर वेरी करता है विद द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ टूथ. एज यू कैन सी एंड यू नो दैट कि जो इंटीरियर टूथ होते हैं उसमें यूजुअली सिंगल रूटेड टीथ होते हैं, राइट? तो जो इंटीरियर्स होंगे उसमें रूट सिंगल होगी, तो जो रेडिकुलर पल्प है उसका नंबर भी सिंगल होगा. पर जो पोस्टीरियर्स होते हैं उनमें मल्टीपल रूट्स प्रेजेंट होती है. तो अगर पल्प में मल्टीपल रूट्स प्रेजेंट है तो पल्प भी मल्टीपल होगा. रेडिकुलर रूट जो रेडिकुलर पल्प है उसका नंबर रूट के साथ वेरी करेगा. सो आई टुक दिस डायग्राम स्पेसिफिकली सो दैट मैं कंपैरेटिवली बता सकूं कि सिंगल रूट जो है उसमें सिंगल रेडिकुलर पल्प प्रेजेंट होगा और अगर पोस्टीरियर्स में मल्टीपल रूट्स है तो मल्टीपल रेडिकुलर नंबर रूट प्रेजेंट होगा. सो द नंबर ऑफ रेडिकुलर पल्प वेरीज विद द नंबर ऑफ रूट प्रेजेंट इन द टीथ. नाउ जस्ट लाइक आई शोड यू कि जो कोरोनल पल्प है उसमें एज चेंजेस कैसे होते हैं, वैसे ही आई वुड लाइक टू शो यू कि जो रेडिकुलर पल्प है उसमें एज चेंजेस कैसे होंगे. तो जो कोरोनल पल्प है दैट इज क्राउन, उसमें दो पार्ट्स होंगे बाहर की तरफ इनेमल डेंटिन एंड देन कम्स दी पल्प. और जो रूट होता है उसमें होता है सीमेंटम डेंटिन एंड देन कम्स दी पल्प, राइट? सो वी ऑल नो कि इनेमल ग्रो नहीं कर सकता, ओनली डेंटिन कैन ग्रो. बट रूट में बोथ डेंटिन एंड सीमेंटम कैन ग्रो, राइट? ग्रो और वी कैन से दे कैन इंक्रीज इन थिकनेस बाय एनी वेज. सो ये जो डेंटीन है उसके कारण तो ऑफ कोर्स रूट का लेटरल जो साइज है वो डिक्रीज होगा, राइट? लेटरली जो है वो रेडिकुलर पल्प डिक्रीज होगा साइज में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी डेंटीन. पर सीमेंटम का भी एपोजिशन जो है एपेक्स की तरफ से चलता रहता है. आई एम मार्किंग इन द डायग्राम बी. इनफैक्ट हर डायग्राम में आप देखेंगे तो एपेक्स की तरफ से सीमेंटम का एपोजिशन बढ़ रहा है. यू कैन सी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेयर्स हियर, राइट? तो वो ड्यू टू एपोजिशन ऑफ सीमेंट एपेक्स पे से भी जो है वो रेडिकुलर पल्प का साइज डिक्रीज होता जाएगा. सो देयर आर टू रीजंस व्हाई द साइज ऑफ रेडिकुलर पल्प डिक्रीजेस. फर्स्ट सेकेंडरी डेंटीन के डिपोजिशन के कारण और सेकेंड सीमेंटम के एपोजिशन के कारण ऑन द रूट एपेक्स. कोरोनल पल्प का साइज डिक्रीज हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ डेंटीन, बट रेडिकुलर पल्प का साइज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ डेंटीन एज वेल एज ड्यू टू एपोजिशन ऑफ सीमेंटम एट रूट एपेक्स. सो डू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द पल्प इज एपिकल फोरामेन. वॉट इज एपिकल फोरामेन? एपिकल मीन्स एपेक्स एंड फोरामेन विच इज प्रेजेंट ऑन एपेक्स इज एपिकल फोरामेन. सो एपेक्स ऑफ रूट इज दिस, right? Which I have marked on using red colored pen.
सो दिस इज द रूट एपेक्स, और यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिससे पल्प के जितने भी टिश्यू हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो एंटर करते हैं टिश्यू में, बीट ब्लड वेसल्स और नर्व, राइट? सो एपिकल फोरामेन इज द फोरामेन प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ रूट ऑफ टूथ, जिससे पल्प के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स हैं वो एंटर और एग्जिट करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ दिस एपिकल फोरामेन, तो मैक्सिलरी टीथ में इसकी साइज जो है 0.4 mm होती है, डायमीटर, एवरेज डायमीटर हर टूथ के साथ वेरी करता है, पर हमने एवरेज निकाला है एंड इट इज अ डेटा ऑफ ऑर्गन्स. तो मैक्सिलरी टूथ में इसका जो डायमीटर होता है वो 0.4 mm है, और मैंडिबुलर टूथ में इसका जो डायमीटर है वो 0.3 mm होता है. ओके, एंड दिस डेटा इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं देख रही थी तो इससे भी क्वेश्चन था. देन कम्स की वॉट इज द लोकेशन ऑफ एपिकल फोरामेन आफ्टर द एवरेज साइज, वील गो टू द लोकेशन विच इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर. तो यूजली तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टूथ की वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो ये एपिकल फोरामेन लाए करते हैं, और जितनी नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतने नंबर ऑफ एपिकल फोरामेन होंगे. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये टूथ की एकदम सीधे सीधे वर्टिकल एक्सिस पे ही ये लाई करें. टूथ में जो फंक्शनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके साथ ये चेंज भी हो सकते हैं. फंक्शनल इन्फ्लुएंसेस मतलब टूथ की टिपिंग होना या फिर रूट का कर्व हो जाना, उनके साथ साथ ये चेंज भी होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू एज एन एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में जो है टूथ की मीजियल टिपिंग दिखाई गई है. मीजियल टिपिंग मतलब टूथ जो है वो मीजियली टिप हो रहा है, ये वाला टूथ मीजियली टिल्ट हो रहा है, राइट? तो बिफोर मीजियल टिपिंग, इसे मीजियल टिपिंग कहते हैं जब अपनी ही एक्सेस पे टूथ रोटेट हो जाता है मीजियली, टिल्ट हो जाता है मीजियली. तो जब तक टिपिंग नहीं थी तब तक ये एकदम स्ट्रेट था एपिकल फोरामेन, पर जैसे ही टिपिंग हुई ये इस तरफ मुड़ गया, राइट, इस तरफ झुक गया, टिल्ट हो गया. तो ऑर्गन्स में एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिखाया गया है इसको एक्सप्लेन करने का. जब तक मीजियल टिपिंग नहीं थी तब तक ये एकदम वर्टिकल एक्सिस पे था, जैसे ही मीजियल टिपिंग हुई तो सिर्फ रूट कर्व हुई है, रूट जो है वो टिप हुई है, जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो टिप नहीं हुए. तो एज आई टोल्ड यू कि एपिकल फोरामेन से कनेक्टिव टिश्यू एग्जिट करते हैं, राइट? तो अब जब रूट हल्की सी टिल्ट हो चुकी है तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक वॉल पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जिस वॉल को मैं इंडिकेट कर रही हूँ उस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और दूसरी वॉल पे कम फोर्स लगाएंगे, राइट? तो जिस वॉल पे ज्यादा फोर्स लग रही है उससे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा डेंटिन का, राइट, एंड सीमेंटम का, और जिस वॉल पे कम फोर्स लग रही है उस पे सीमेंटम का एपोजिशन शुरू हो जाएगा. तो अल्टीमेटली दिस मीजियल टिपिंग वुड लीड टू ये जो एपिकल फोरामेन है उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा. दिस वुड लीड टू अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एपिकल फोरामेन. आई विल एक्सप्लेन अगेन, मीजियल टिपिंग में क्या होगा, टूथ जो है अपनी ही एक्सिस पे टिप कर जाएगा मीजियली, और इसके कारण जो रूट है वो टिल्ट होगी तो एपिकल फोरामेन भी टिल्ट होगा, और एपिकल फोरामेन जैसे ही टिल्ट होगा तो कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रेशर था दोनों वॉल्स पे वो सेम नहीं रहेगा, एक वॉल पे वो ज्यादा प्रेशर लगाने लगेगा और दूसरी वॉल पे जो है वो कम प्रेशर लगाने लगेगा. जिस वॉल पे वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा उस वॉल पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, और जिस वॉल पे वो कम प्रेशर लगाएगा उस पे सीमेंटम का एपोजिशन शुरू हो जाएगा. दिस वुड लीड टू अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एपिकल फोरामेन. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जिसमें जो है टूथ जो है कर्व्ड, टूथ की रूट जो है वो कर्व्ड है. तो अगर टूथ की रूट कर्व्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि एपिकल फोरामेन भी कर्व्ड होगा. ये एक रेडियोग्राफ है जिसमें क्लियरली विजिबल है कि ये जो टूथ की रूट है इट इज कर्व्ड, और एपिकल फोरामेन भी स्ट्रेट वर्टिकल एक्सिस पे होने की बजाय कर्व्ड रूट जहां एंड कर रही है वहां पे होगा, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कर्व्ड रूट. सो दीज आर अ फ्यू फंक्शंस जिसमें जो है वो रूट की पोजीशन चेंज होने के कारण या रूट की शेप चेंज होने के कारण एपिकल फोरामेन वर्टिकल एक्सिस पे लाई करने की बजाय फंक्शनल इन्फ्लुएंसेस के कारण उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट एनाटॉमिकल फीचर फॉर आर पल्प इज एक्सेसरी कैनाल.
सो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि हमने एपिकल फोरामेन देखा वो यहाँ पे है एपेक्स ऑफ रूट, पर कई बार देखा जाता है कि जो एपेक्स ऑफ रूट है उसके अलावा भी एपिकल 1/3 पोर्शन में कई सारी और कैनाल्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है पल्प से बाहर की तरफ, राइट? सो ये कैनाल्स जो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है ये एपिकल 1/3 में सबसे ज़्यादा होती है, एंड दीज आर नोन एज एसेसरी कैनाल्स. एसेसरी कैनाल्स आर नथिंग बट दीज आर हॉरिजॉन्टल कैनाल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम पल्प टूवर्ड्स आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम द एपिकल फोरामेन. और इन एसेसरी कैनाल्स की जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये पल्प से पेरियोडोंटल टिश्यू, ये जो पल्प दिख रहा है और इसके चारों तरफ आपको पिंकिश पेरियोडोंटल टिश्यू दिख रहा है, पल्प से पेरियोडोंटल टिश्यू में इन्फेक्शन स्प्रेड करने में सिग्निफिकेंस प्ले करती है, या तो पल्प से पेरियोडोंटल टिश्यू या फिर पेरियोडोंटल टिश्यू से पल्प में इन्फेक्शन स्प्रेड करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. इसका मतलब पल्प का इन्फ्लेमेशन होगा और एसेसरी कैनाल्स प्रेजेंट है तो पेरियोडोंटल टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो इसके भी चांसेस हैं, या फिर पेरियोडोंटल टिश्यू का इन्फेक्शन है तो हो सकता है एसेसरी कैनाल्स के थ्रू पल्प का भी इन्फेक्शन हो जाए. सो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एसेसरी कैनाल्स. नाउ वी विल हैव अ क्विक रीकैप. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी विल हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड. We studied about what is pulp. So pulp is a highly vascularized and innervated connective tissue of mesodermal origin, which is surrounded by dentin and has communication with periodontal ligament. Now parts of pulp: coronal pulp, the part of pulp which is present in the crown is coronal pulp. Radicular pulp is the part of pulp present in the root. Apical foramen is the foramen present on the apex of the root.